मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से लहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sunilist.com बाइक पर सवार दो लड़के आरे से होते हुए थाना तक निकले शमशेर भोपाली मुंबई का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। जिस तरह अंडरवर्ल्ड की जड़ें बॉलीवुड के अंदर तक थी, ठीक उसी तरह पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में भी बड़े बड़े नेताओं का उससे सपोर्ट था, जिनके दम पर वो अब तक अपनी मनमानी करता आ रहा था। लेकिन इस हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। अब वही नेता चाहते थे कि शमशेर भोपाली हर हाल में पकड़ा जाए, लेकिन शमशेर भोपाली को पकड़ना इतना आसान नहीं था। उस पर अब अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन का हाथ था। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन नितिन कामते इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। सर, सही लड़के सच बोल रहे हैं सर। मामूली चोरों चक्के हैं, बाइक लेकर भाग रहे थे। एमएलए की मौत या शमशेर से इनका कोई कनेक्शन नहीं। बोलो सर, आज दूसरी बार मेरी लापरवाही की वजह से शमशेर हमारे हाथ से निकल गया सर। आप चाहे तो मेरा ट्रांसफर कर सकते हैं या मुझे सस्पेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं सर, मैं जा कहीं भी रहूं उस शमशेर भोपाली को मैं ढूंढ निकालूंगा सर, और कुत्ते की तरह घसीटते हुए लाकर इन सलाखों के पीछे डालूंगा सर। देखो नितिन, तुम्हारी गलती से कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट इतने बड़े हादसे में तुमने किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। That's great. I'm proud of you. लेकिन सर, इस बात को लेकर मैं अपने और अपने सिक्योरिटी सिस्टम की लापरवाही तो नहीं छुपा सकता सर, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई सर, शमशेर इतनी आसानी से अंदर कैसे आ जाता। यही तो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा एक बात बताऊँ, अगर तुम्हें पता होता कि एमएलए पे हमला होना है तो क्या करते तुम? तो मैं वहां मौजूद हर इंसान की चेकिंग करता सर, उसके साए की भी चेकिंग करता। एग्जैक्टली, इतना बड़ा हादसा होने वाला था और हमारे किसी भी इंफॉर्मर को इतनी भी खबर नहीं थी, ये कैसे हो सकता है? आपकी बात समझ गया सर, किलिंग तो शमशेर कर रहा है, लेकिन उसे करवा रहा है कोई सिस्टम के अंदर का, इसलिए वो बेफिक्र होकर कहीं भी घुस जाता है, अपना काम करके निकल जाता है और किसी को खबर नहीं पड़ती। वो कानून से नहीं डरता सर, लेकिन जो लोगों से ये काम करा रहे हैं वो कानून से जरूर डरते हैं, इसलिए छुपके वो शमशेर से अपना काम करा रहे हैं। सर, मेरे पास एक प्लान है। तुम्हें देख के लगता है कुछ बड़ा ही सोच रहे हो। मुझे 4 घंटे चाहिए। इन 4 घंटों में हम उन सबके यहाँ पर रेड मारेंगे सर, जिनको शमशेर के इन काम से फायदा हुआ है, अड्डे पर, दुकान पर, घर पर। ऐसे करने से उनमें एक हड़बड़ाहट मच जाएगी सर, घबराहट में वो कोई गलत काम करेंगे। जो भी करना है जल्दी करो। यू हैव माय गो अहेड। एसीपी सर के ऑर्डर है, इस शहर का कोना कोना छान मारो, जिस पर शक है उसे जेल में डालो। अगले 4 घंटों में हमें इनके सारे काले धंधे बंद करने,
उन लोगों ने हमारी सिक्योरिटी तोड़ के एक एमएलए को मारा है और फिर भाग गए साहब। इन लोगों ने हमें चैलेंज किया है, हम भी उन्हें दिखा देंगे कि जब एक पुलिस वाला वर्दी पहनकर बेल्ट लगाकर बंदूक तान कर अपने घर से निकलता है तो वो तभी वापस आता है जब इस शहर की पूरी गंदगी साफ कर देता है। अंडरस्टैंड? लेट्स गो। हेलो नितिन बेटा, माझ्या डोक्यात ना अचानक जास्त दुखायला लागले रे। दवाई तुम्ही लेली आहे लेकिन मुझे लगता है कि अब तुझे मेरे लिए हॉस्पिटल में बेड बुक करना ही पड़ेगा। माँ मैं तो इस वक्त नहीं आ पाऊंगा लेकिन मैं 10 मिनट के अंदर अंदर किसी को आपके पास भेज रहा हूँ। पर माँ आप एक पुलिस वाला की माँ हो, इतनी जल्दी हार नहीं मानना। हाँ बेटा हाँ। सब सब तैयार है। अबे देखता क्या है, चल जाओ। भाई मैंने तुमको बोला था ना, ये साला उल्टी खोपड़ी का शमशेर जरूर हमें कोई ना कोई पंगे में डालेगा। शफी, उस एमएलए को मारने की सुपारी मैंने ही शमशेर को दी थी, अब तो ये बच्चों की तरह चिल्लाना छोड़। भाई है तू मेरा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने एक प्लान बनाया है, वो लोग तुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। पर भाई अपुन, तू अभी बच्चा है शफी, कुछ नहीं समझेगा तू। मैं समझाता हूं तुझे। देख शफी, पुलिस हरकत में आ चुकी है, हर जगह रेड डाल रही है और हर जगह से उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है। और ऐसे में अगर पाशा के यहां से उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो और अंदर घुसेंगे, मेरे धंधे और मेरे गिरेबान तक हाथ पहुंचेंगे उनके। और तू तो मेरा भाई है ना, भाई है ना मेरा, तू ऐसा होने देगा? अपने भाई को पुलिस के हाथ जाने देगा तू? वो आएंगे, तुझे पकड़कर ले जाएंगे लेकिन उनको तुमसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो नहीं जानते कि तू कुछ नहीं जानता। घबरा मत, जल्दी निकालूंगा तुझे, वादा है मेरा। खुदा हाफिज। देखो सब जगह, उधर देख, गायब हो। लगता है पाशा भाग गया। कोई बात नहीं, अपने भाई को पीछे छोड़ गए। चल मुझे देखकर इतना चौंकिए मत, आपके बेटे ने ही कहा है कि मैं यहां आपके पास बैठूं जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। आता वाला बर वटते पहले से बेहतर महसूस कर रही हूं, थोड़ा बहुत दर्द तो 2-3 दिन रहेगा। नितिन ने बताया था मुझे आंटी, लेकिन अगर ऐसी बात है
तो मैं आपके कुछ टेस्ट कराना चाहती हूँ। आपको एक दिन क्लिनिक आ जाना चाहिए। ये दर्द इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, ये बहुत ही गहरा और पुराना दर्द है। नितिन 5 साल का था तभी उसने अपने पिता को मुझे जानवरों की तरह पीटते हुए देखा। फिर नितिन के पिता की मौत हो गई, लेकिन उन्होंने दिया हुआ दर्द आज भी मुझे ये एहसास दिलाता है कि वो यही कही है। शायद इसीलिए नितिन उन लोगों से नफरत करता है जो औरतों पर जुल्म करते हैं। लेकिन आंटी, ये सब कुछ आपने मुझे क्यों बताया? मैं नितिन की माँ हूँ, मुझे पता है। तुम नितिन के लिए सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं हो जिसने मेरी देखभाल के लिए तुझे भेजा है। माँ, कैसी तबीयत है? अब अच्छी हूँ। अच्छा सुन, प्रीति पहली बार घर आई है और देख मैं बिस्तर पे लेटी हूँ, उसे कुछ चाय कॉफी मीठा पूछ ले। माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी डॉक्टर है। नितिन, मैंने आंटी को एक इंजेक्शन दे दिया है, अब उन्हें आराम करना चाहिए। और हाँ, तुम जल्द ही इन्हें क्लिनिक ले आना, मैं आंटी के कुछ टेस्ट करना चाहती हूँ। ओके। चलिए आंटी, नमस्ते। प्रीति, I'm sorry. कभी कभी माँ ऐसे ही। It's okay. I understand. देख, प्रीति अच्छी लड़की है, डॉक्टर भी है, उसको हाथ से जाने मत देना। ऐसा कुछ नहीं है माँ, डॉक्टर प्रीति को मैं केस के सिलसिले में मिला था। अब आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आपको आराम करने को कहा है ना, चलिए सो जाइए। हाँ, वो प्रीति का याद रखना। हेलो 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 सर, सर वो आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो हेलो, सुनो, स्टेशन के सारे फोन डेड कर दो, मैं नितिन और उसकी टीम को थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ, और इस दौरान ना तो मुझे कोई डिस्टरबेंस चाहिए ना कोई प्रेशर, समझे? जी सर। बताता हूँ शमशेर कहाँ मिलेगा। तूने अपुन के बारे में पुलिस को नहीं बताना तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बोल, तेरे को क्या चाहिए? तेरे को जो चाहिए बोल दे, बस एक बार बोल दे बस। मेरे लिए तूने जो मुश्ताक के साथ किया ना, तो उसके बदले में तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। क्या किया? और वैसे भी मुझे नहीं किसी पिक्चर में काम करने का। क्यों? हाँ यार, वो तो बस आई के चक्कर में। और ऊपर से वो मुश्ताक कैसा आदमी था, मेरे को तो ना ऐसी गंदी इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना है। अरे मैं बात करूंगा ना पाशा से, तेरे को सुपरस्टार तो मैं बनाऊंगा ना। और एक बार तो उधर फिट हो गई ना, तो देख तेरे को कोई आंख उठा के देखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तू शमशेर के साथ होगी।
मैं तेरे को अच्छे तरीके से जानती हूँ। चीटिंग किया ना तूने? अरे अच्छा एक और निकाला। देख माता। फिर से रानी। मैं ना कहता था हम साथ साथ ऊपर जाएंगे। हैंड्स ऑफ। मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी होती है कि शमशेर भोपाली एक अपराधी जो कि किलिंग मशीन के नाम से मशहूर था वो हमारी गिरफ्त में आ चुका है। उसे थाने जेल भेजा जा रहा है। इस खतरनाक काम को अंजाम देने का श्रेय इंस्पेक्टर नितिन और उनकी टीम को जाता है। मुझे इन पे बहुत गर्व है। डिपार्टमेंट उनकी बहादुरी से खुश होकर उन्हें इंस्पेक्टर से सीनियर इंस्पेक्टर के लिए प्रमोट करती है। आपका शुक्रिया अदा करने आया था। उस दिन मुझे कहीं जरूरी काम से जाना था और आपने माँ का ख्याल रखा तो आप अंदर तो आइए। थैंक यू। वैसे तुम्हारी माँ का फोन आया था। क्यों? उनकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है, तबीयत को कुछ नहीं हुआ। कह रही थी प्रीति बेटा तुम्हारे क्लिनिक में चाहे जो भी न्यूज़पेपर आता हो आज का बम्बई समाचार जरूर पढ़ना। उसमें मेरे बेटे की बहुत ही अच्छी फोटो आई। क्योंकि अगर कोई गंदी फोटो देखकर तुम उसे रिजेक्ट कर दोगी ना तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। प्रीति आई एम सॉरी। पता नहीं माँ तुमको लेकर इतनी एक्साइट हो गई है। एक्चुअली पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला है। शायद वो अपने पेशेंस खो रही है। बस बोलते रहती है। आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यही तो प्रॉब्लम है कि माँ बोल रही जिसे बोलना चाहिए
वो तो बोल ही नहीं रहा। एग्जैक्टली, मैं माँ को हमेशा बोलता। कॉफी पीने चल। छह महीने से पुलिस हिरासत में है शमशेर, उसे बाहर निकालना होगा। लेकिन भाई उधर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, शमशेर को वहां से निकाल पाना बहुत मुश्किल है। यही बात अगर शमशेर यहाँ खड़ा होकर तेरे बारे में यही बोलता तो कैसा लगता तुझे? मुझे मेरे भाई मूसा की मौत का बदला और दरियाब की मौत चाहिए। अब यही काम हमारे लिए शमशेर करेगा। पैसा, पावर, जो भी लगता है लगाओ, मुझे शमशेर बाहर चाहिए किसी भी कीमत पर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओं गणानन्त्वा गणपति गंग वामहे, प्रियानन्त्वा प्रियपति गंग वामहे। वर वधु एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं। शमशेर भाग गया सर। सर खबर मिल गई, शमशेर भाग गया। सीनियर ऑफिसर्स एक मामूली मुजरिम को पहरा दे रहे हैं। शमशेर जैसे शातिर मुजरिम को सिर्फ एक कांस्टेबल सर। या तो ये चारों सुबह सुबह घर से भांग पी कर आए हैं, या ये प्लान में मिले हुए सर। हो सकता है नितिन, पर फिलहाल इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और जब तक सबूत ना मिले तब तक इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इनके खिलाफ एक इंक्वायरी प्लेस करें, और शमशेर को ढूंढना सबसे जरूरी है। सर हम इतनी मुश्किल से इन मुजरिमों को पकड़ के लाते हैं सर, हमारे चंद करप्ट और लालची ऑफिसर्स की वजह से हमारे हाथ से निकल जाते हैं सर। इनकी जगह जेल में नहीं है ये, इनकी जगह जहन्नुम में है। मैं कहता हूं जहां देखे ना सर ठोक देना चाहिए। I'm sorry. जो अभी तुमने कहा ना वो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। अब तुमने सुना इसने क्या कहा? अनिश, तुमने सुना ना इसने क्या कहा?
दो पैसों के जूनियर आर्टिस्ट, एक तो सीन है जिसमें खाली तुझे खड़ा होना है और ऊपर से तू हीरोइन वाले नखरे दिखा रही है। काम करना है तो काम कर, वरना घर चली जा। दबा रॉकेट वॉकेट। देखो मालूम है तेरे जाने के बाद पैसा और काम दोनों की कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए ये काम फिर से चालू किया। बस बस ठीक है ठीक है, मैं आ गया ना वापस, अब तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जाना, अपना सामान वामान ले गया, चल चलते हैं। सलाम, मच मच है शूटिंग का। किधर जा रही है? रुक, तेरा और एक सीन है समझी, जिसमें तुझे पीछे खड़ा रहने का है। ए सुन, मेरे को ना किधर भी पीछे खड़े रहने का नहीं है, समझा? जा रही हूँ मैं यहाँ से। तेरे को इसको शूटिंग पे खड़ा करने का? ए शमशेर, ये पागल है, जाने देना यार। समझाने देना इसको, चल इसमें से एक पत्ता चुन। शमशेर जाने देना। अरे समझाने देना बेबी, लेस में से पत्ता बन, चल मैं निकालता हूँ। गुलाम, किस्मत अच्छी है तेरी, क्योंकि गुलाम रानी का वफादार होता है, दोस्त होता है, इसलिए तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ डायरेक्टर की छठी औलाद, पर मैं इससे कम पत्ते पे ना मेरी बंदूक चलती है। सर, चल सर, एक्शन, चल एक्शन। खबर मिली है सर, शमशेर जेल से भागने के बाद पूनम नाम की एक लड़की से जाके मिला। थाना ले गया उसको। ठीक है सर। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए साहब, शमशेर ने हमें बर्बाद कर दिया। मेरी बेटी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन सकती थी, लेकिन शमशेर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी साहब। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता साहब कि मेरी बेटी कहाँ है। आपकी बेटी कब से जानती है शमशेर को? मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे पता है कि आप ही ने कहा था शमशेर को मुश्ताक को धमकाकर आपकी बेटी को फिल्मों में रोल दिलाए। मुझसे गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब। हमारे मोहल्ले के एक दुकानदार ने मुझे शमशेर से मिलाया था साहब। नाम क्या है उसका? जफर साहब। ए चल बाहर निकल। सब लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि किधर है वो। पाशा को शमशेर कोई बड़े काम के लिए मांगता था। ये पाशा को शमशेर से क्या काम हो सकता? जो भी हो, इसका पता शफी से ही लगेगा।
चल अब मुंह खोल। शमशेर की तरह बता। मुझे नहीं पता। चल पाशा का प्लान बता। मुझे किसी भी प्लान के बारे में नहीं मालूम। चल चल, तेरे को कुछ नहीं पता। इतना तो पता होगा कि पिछली बार शमशेर का पता तूने ही पुलिस को लिख के दिया था। मैं बताता हूँ शमशेर कहाँ मिलेगा। अब सोच, अगर मैं ये बात तेरे बाप पाशा तक पहुंचा दूं या उसके दोस्त शमशेर तक, तो तेरा क्या हाल करेंगे वो लोग। तेरी लिखी हुई पर्ची अभी भी है एविडेंस रूम में मेरे पास, प्रेस में भी दे सकता हूँ। अब तेरा लिखा तो पहचान ही लेंगे ना तेरे भाई। पाशा को मूसा की मौत का बदला चाहिए। ए, आवाज बंद। कौन आ रहा है तुम लोग? अरे तुम लोग जानते हो सालो मैं कौन हूँ? मूसा हूँ, मूसा पाशा का भाई, डोंगरी का पाशा। और मैं बंबई का बाप, बंबई का बाप। वो शमशेर के हाथों दरियाब को मरवाना चाहता है, इसलिए उसने शमशेर को जेल से छुड़वाया। निकल। सर, इससे पहले कि पाशा दरियाब तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना चाहिए। मैं समझा नहीं। सर, पाशा दरियाब की मौत चाहता है और हम शमशेर, क्यों ना हम दरियाब को गिरफ्तार कर लें, फिर हम प्रेस को बताएंगे कि हम उसे कोर्ट में पेश करने वाले हैं। अगर शमशेर उसे मारना चाहता है तो वो फिर से एक बार कोर्ट में आएगा उस पर गोली चलाने के लिए, लेकिन इस बार वो वहां से बचकर नहीं जाएगा। इट्स अ गुड प्लान, जस्ट मेक श्योर इस बार कोई गलती ना हो। नहीं होगी सर। मुजरिम का चेहरा हम काले कपड़े से ढक देंगे। काले कपड़े के पीछे किसका चेहरा है ये कोई नहीं जानता। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। यस सर। आज के मुख्य समाचार। कुख्यात गैंगस्टर दरियाब खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस काम को बहादुरी से अंजाम दिया है हमारे सीनियर इंस्पेक्टर नितिन कामटे ने। मैं खतरनाक मिशन पर जा रहा हूं, नहीं पता क्या होगा। कभी कभी लगता है कि तुम एक पुलिस वाले के साथ फंस गई हो। प्रीति, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं समझ लूंगा, लेकिन तुम इतना जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं कुछ नहीं हूं। और तुम्हारा जवाब मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम वापस आकर मुझसे मिलोगे। क्या भाई, जेल जेल पहुंचने से पहले वो ऊपर पहुंच जाएगा। खुदा हाफिज। हाय हाय, क्या लग रही हो। एक कार्ड चुन, चुनना। देख शमशेर, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरी बात मान, मत कर। शमशेर की ऐसी नस्ल है जो कभी खत्म नहीं होगी। ले, एक और ले। चीटिंग करने से किसी की किस्मत नहीं बदलती है, होता वही है जो होना है। हाँ, वो तो होता ही रहेगा। देख, शमशेर को आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है और ना ही कभी कुछ होगा। तू क्यों टेंशन ले रही है? अरे पाशा भाई की वजह से मैं जेल से बाहर निकला हूँ, ये काम मैं उनके लिए कर रहा हूँ। ये सब कहानी वानी खत्म हो जाएगी ना, बस उसके बाद सीधा दुबई सेटल हो जाएंगे यार।
मेरे साथ में स्माइल तो कर दे है? अरे क्या हो गया? देखिए हमें सावधानी परखनी होगी, मैं भेष बदल के जाना है, ऐसी कोई हरकत मत करना जैसे कि किसी को भी हम पर शक हो कि हम प्रेस वाले या वकील नहीं बल्कि असली पुलिस वाले हैं। शमशेर को ढूंढते ढूंढते एक दूसरे पर भी नजर रखना, 11 बजे हम सब कोर्ट में मिलेंगे। Is that clear? Yes, sir. मनीष, एकदम करेक्ट टाइम है भाई, धक्का डालो साहेब। लगता है मेरा यहां होना शमशेर को अटैक करने से रोक रहा है। मुझे पता है यहां कुछ होने वाला है मनीष, मैं यहां से निकलता हूं, आसपास ही रहूंगा, तुम ध्यान रखना ठीक है? चल कोई काम कर। Yeah!
रानी तो मेरे पास है। इस इंकाउंटर के साथ मुंबई को एक खतरनाक किलर से छुटकारा मिला। मुंबई पुलिस के काफी कोशिशों के बावजूद ये बात आम हो गई थी कि किस तरह उन्होंने शमशेर भोपाली को मारने के लिए जाल बिछाया। पाशा अपने सिपाही की मौत से बौखला गया था और अब उसने नितिन कामते को अपना निशाना बनाया। उसे मुंबई पुलिस को मुंह तोड़ जवाब देना था। इस काम के लिए उसने एक ऐसे किलर को हायर किया जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास का सबसे कुख्यात किलर के रूप में उभरने वाला था। मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर आजमगढ़ का सिकंदर बसाती। नितिन कामते और उसकी पुलिस फोर्स अब तक शमशेर भोपाली की मौत पर राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि पाशा ने उन्हें टारगेट करने के लिए सिकंदर बगदादी को भेजा। क्या नितिन कामते और सिकंदर बगदादी आमने सामने आ पाएंगे? और जब इनका टकराव होगा तो कौन खड़ा रहेगा, कौन गिरेगा? देखते रहिए मुंबई में एनकाउंटर की कहानी शुरुआत से मेरी जबानी। मेरी जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी है, फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com।